हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखें काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, ये आपका लीनियर टाइप सॉर्टिंग एल्गोरिथम का ये सेकंड है आपका। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला ये हमारे पास आपके पास लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास 3, 6, 4, 1, 3, 4, 1, 4। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट को हमको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, जनरली यहाँ पर ये तब जो यूज किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल जो है एक ही नंबर कई बार आते हैं तो उसके लिए ज्यादा ये अच्छा रहता है। तो काउंटिंग सॉर्ट कैसे करते हैं आप, तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है कि पहले जो भी आपको लिस्ट मिला हो उसको पहले एरे में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे को उठा करके एरे में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 6, 4, 1, 3, 4, 1 और 4। ठीक है, ये लिख दिया। इंडेक्सिंग आप समझ सकते हो, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें आप फाइंड करोगे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आपके पास 6 है, तो आप क्या करोगे, 6 जो है आपका, जो आपका एक एरे बनाओगे जिसमें आप इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 to 6 होनी चाहिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्सिंग आपकी 0 to 6 होनी चाहिए। और उसमें क्या करना है, सब में आपको क्या है 0 पुट कर देना है। ठीक है, एरे बनाया आपने 0 to 6 का और फिर सब में आपने 0 पुट कर दिया, सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं। फिल करते हैं, फिल कैसे करना है आपको, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिल कैसे करना है आपको, यहां पर देखो 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 1, 2 बार आ रहा, तो 3 पे आप क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, देन 6 कितनी बार, 6 1 बार आ रहा, तो 1 6 पे क्या लिख दो, 6 इंडेक्स पे क्या लिख दो, 1 लिख दोगे। देन 4 कितनी बार, 4 1, 2, 3 बार आ रहा, तो 4 इंडेक्स पे आप क्या कर दोगे, 3 लिख दोगे। देन 1 कितनी बार आ रहा, 1 आपका जो है आपका 2 बार आ रहा, तो आप 1 पे क्या लोगे, 2 लिख दोगे। 0 कहीं पर है, 0 नहीं है, तो 0 पे आप 0 लिख दोगे। 2 इसमें, 2 भी कहीं नहीं है, तो 2 पे आप 0 लिख दोगे। 5 भी कहीं नहीं, तो 5 पे आप क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, आपको 0 आपको यहां पर 0 ऐसे लिख देना है, 0 प्लस 2 का 2 हो गया, तो 2 यहां पर लिख देना है। 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया, 2 यहां लिख देना है। ये 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 हो गया, 4 यहां लिख देना है। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 यहां पर लिख देना है आपको। 7 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 7 यहां लिख देना है। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 8, आपको 8 यहां लिख देना। मतलब सबसे पहले पहला एलिमेंट उतार देना है, फिर उससे इसको ऐड करना है, 2 आएगा, 2 यहां लिख देना, फिर 2 से फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड करना है, तो फिर 2 आएगा, तो यहां लिख देना है। फिर 2 से 2 ऐड करोगे, 4 यहां पर आएगा, 4 से 3 ऐड करोगे, 7 यहां आएगा, फिर 7 से 0 ऐड करोगे, 7 फिर यहां आएगा, 7 से 1 ऐड करोगे, तो यहां पर 8 आ जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है कि नंबर आप कितने हैं आपके, वो 8 हैं। ठीक है, तो हम 8 का जो है आपका एक एरे बनाएंगे, जिसकी यहां पर 1 से इसको ले लेंगे, 8 यहां पर, यहां कुछ नहीं अभी। ठीक है, ये कर देंगे। अब आपको क्या ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, आप यहां से देखो, 4 वाले देखो 4 कहां पर है आपका, 7 4। ठीक है, 4 जो है आपका, 4 हम फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखोगे आप, इसका मैं इंडेक्सिंग यहां पर भूल गया लिखने के लिए, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहली बात क्या करोगे, 4 एलिमेंट को देखो, तो 4, ठीक है, 4 यहां पर देखो, 4 पर कौन सा इंडेक्स है आपका, यहां पर 4 के लिए यहां पर क्या आपका 7 है, तो यहां पर आप 7 इंडेक्स पे क्या करोगे, आप 4 लिखोगे और इसको आप काट कर, इसको पेन चेंज कर लेता हूं, इसको काट के आप जो है आप 6 कर दोगे। ठीक है, देन यहां पर 1 देखो, तो 1 पे कौन सा आपका है, 2 है, तो 2 वाले पे आप 1 लिखोगे और इसको काट के आप एक रिमूव, एक माइनस कर दोगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, देन 4 फिर से आया, 4 वाला आप क्या, 4 का इंडेक्सिंग क्या दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, तो 6 वाले पे आपको 4 रखना है और इसको काट के आपको 5 कर देना है। ठीक है, एक कम कर देना हमेशा।
देन थ्री है, थ्री का यहाँ पर थ्री जो थ्री पे क्या फोर दिखा रहा है, फोर इंडक्शन, तो फोर पे आपको थ्री लिखना है और इसको काट के जो आपको वो एक रिमूव कर देना है, इसको क्या करना है आपको वो थ्री कर देना है, मतलब एक माइनस कर देना है। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपका, वन आएगा। वन वाले पे देखो कहाँ पर है, वन वाला आपका जो है यहाँ पर वन पे दिखा रहा है, तो वन इसको आप यहाँ पर वन पे लिखोगे और इसको कम करके आप जीरो कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हमारा फोर आएगा, फोर वाले पे देखो कौन सा भी दिखा रहा है, फिफ्थ वाले पे दिखा रहा है, फिफ्थ वाले पे आप फोर लिखोगे और इसको फिर से काट करके आप क्या कर दोगे वो फोर कर दोगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स आएगा, सिक्स पे आपका कौन सा दिखा रहा है, यहाँ पर सिक्स एट्थ पे दिखा रहा है, तो एट्थ वाले पे आप क्या करोगे यहाँ पर सिक्स लिखोगे और इसको काट के क्या करोगे आप, इसको काट के आपको एक कम कर देना, मतलब सेवन लिख देना, ठीक है। देन थ्री, थ्री पे कम, अब थ्री पे क्या दिखा रहा है, थ्री दिखा रहा है, तो थ्री पे आप थ्री लिखोगे और उसको काट के क्या कर दोगे टू कर दोगे। तो अब देखोगे आपके पूरे एलिमेंट जो है आपके वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काउंटिंग सॉर्ट जो है काम करता है। अगर इसमें से आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।